हेलो एवरीवन, एंड पांचवा सवाल है कि आपको ट्वीन प्रेगनेंसी के दौरान स्पेशली डॉक्टर से मिलना चाहिए जिनको स्पेशली ट्वीन प्रेगनेंसी के बारे में अच्छी नॉलेज हो। आपको अपने ट्वीन्स बेबी की देखभाल के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर की खोज करनी है जिनको ट्वीन प्रेगनेंसी के बारे में बहुत ही अच्छे से पता हो, एंड इसके अलावा वो ट्वीन्स की सी सेक्शन एंड नॉर्मल डिलीवरी कराने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हो। एंड अगला क्वेश्चन है कि क्या सभी ट्वीन्स टाइम से पहले ही डिलीवर हो जाते हैं? आधे से ज्यादा जो ट्वीन्स होते हैं वो प्री टर्म डिलीवरी यानी कि 37 वीक से पहले ही पैदा हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपके ट्वीन्स कब पैदा होंगे ये इस बात पर भी डिपेंड करते हैं कि आपकी किस प्रकार की ट्वीन प्रेगनेंसी है। और सबसे बुरी बात ये है कि सिंगल प्रेगनेंसी की तुलना में ट्वीन प्रेगनेंसी में प्री टर्म डिलीवरी को रोकना एक बहुत ही ज्यादा चैलेंज भरा होता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि क्या ट्वीन प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट प्री टर्म डिलीवरी के रिस्क को कम कर सकता है? वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि बेड रेस्ट प्री टर्म डिलीवरी को नहीं रोकता है। हालांकि बिस्तर पर आराम करने की सलाह अब इतनी नहीं दी जाती है। अगर आपकी ट्वीन प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के अंत में एंड तीसरी तिमाही के शुरुआत में टाइम से पहले डिलीवरी के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको डॉक्टर कम एक्टिविटी करने की सलाह देते हैं जो आपको जरूर माननी है। एंड अगला क्वेश्चन है, क्या ट्वीन्स बच्चों में डिलीवरी काफी अलग होती है? चाहे आपकी सिंगल प्रेगनेंसी हो या फिर आपकी ट्वीन प्रेगनेंसी हो, उसमें डिलीवरी बिल्कुल समान तरीके से ही होती है। जब आपके ट्वीन्स बेबी की डिलीवरी का टाइम आता है तो ऐसे में डॉक्टर आपको ऑपरेटिंग रूम में ले जाते हैं भले ही आपकी डिलीवरी वजाइना से होनी हो, और यह एक सेफ्टी प्रिकॉशंस होता है जिसे डबल सेटअप के रूप में जाना जाता है। और ऐसा इसलिए डॉक्टर करती हैं क्योंकि कुछ ट्वीन प्रेगनेंसी में पहला बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू बाहर आ जाता है बट दूसरे बच्चे के लिए कभी कभी छोटा सा इमरजेंसी सी सेक्शन का रिस्क हो जाता है और दूसरे ट्वीन्स की ब्रीच पोजिशन में भी डिलीवरी होने की संभावना रहती है। इसलिए आपको डिलीवरी ट्वीन्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही करानी है क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन होती है इस प्रकार की डिलीवरी में अगर आपकी डॉक्टर बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है तो वो बहुत ही आसानी से नॉर्मल डिलीवरी कर देती हैं। 32 वीक से अधिक ट्वीन्स बेबी को जन्म देने वाली महिलाओं में केवल 4% ही ऐसी महिलाएं होती हैं जो वजाइना के थ्रू डिलीवरी कराने की कोशिश करती हैं। एंड ऐसी महिलाओं की वजाइना और सी सेक्शन दोनों कंबाइंड डिलीवरी भी हो सकती है बट ऐसा ज्यादातर नहीं होता है। दोनों बच्चों को ऑपरेटिंग रूम में जन्म देकर डॉक्टर माँ और बच्चे की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। और अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।